जी हाँ दोस्तों, जितनी करवटें एक ऊँट नहीं बदलता होगा उससे ज़्यादा कई करवटें तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में बदली गई हैं। जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत केस की शुरुआत हुई थी नेपोटिज्म को लेकर, विवाद बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद प्यार, धोखा और साथ ही साथ अब ड्रग्स के मामले तक आ जुड़ा है। इस बात को लेकर कई सबूत भी मिल चुके हैं कि जिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स की चपेट में थे और ड्रग्स पेडलर के साथ उनका कुछ गहरा रिश्ता था, जो उनके साथ उनकी मदद के साथ वो आगे ड्रग्स सप्लाई करते थे। लेकिन दोस्तों, इन सब मामलों में रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, वो भी फंसती हुई दिखाई दी। रिया चक्रवर्ती पर पहले से ही गिरफ्तारी की तलवारें लटक रही थी, लेकिन ऐसे में ड्रग्स एंगल जुड़ने के बाद ये और ज़्यादा फंस चुकी हैं, जहां लगभग इनका कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता होगा कि इनसे पूछताछ ना होती हो। अगर NCB से पूछताछ ना हो तो CBI पूछताछ करती है, अगर CBI से पूछताछ ना हो तो ED पूछताछ करती है। लेकिन आप सभी को बता दें, रिया चक्रवर्ती को लेकर बड़ी खबर तो तब सामने आई जब ये बात पता चली कि सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के लाइफ में आने से पहले ड्रग्स पेडलर्स के साथ कनेक्शन था उनका। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये बात कही थी कि सिर्फ और सिर्फ सुशांत को ही ड्रग्स सप्लाई दी जाती थी, जिसके चलते उनके डिप्रेशन को कम किया जा सके। लेकिन ये बात भी सामने आई कि 2017 में कहीं ना कहीं उनका कुछ ऐसा व्हाट्सएप चैट भी लीक हुआ, जिसको लेकर सवाल खड़े हुए कि सुशांत सिंह राजपूत के आने से पहले रिया चक्रवर्ती ड्रग्स पेडलर्स के साथ कनेक्शन में थी। इस बात को लेकर शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने भी रिया के कहने पर ड्रग्स लाने की बात कबूली है। इसके अलावा 2017 में ड्रग्स को लेकर इनके बीच की चैट को भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि NCB ने 15 से ज़्यादा सवालों की सूची तैयार की, जिसके आधार पर रविवार को रिया से पूछताछ की गई थी। इससे पहले संयुक्त निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में NCB की टीम ने रिया के घर पहुंची और समन देकर 11 बजे पेश होने को कहा। हालांकि मुंबई पुलिस करीब एक घंटे की देरी से रिया को लेकर NCB के दफ्तर पहुंची, जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती को अगले दिन भी जल्दी NCB दफ्तर पहुंचना पड़ा अपने सवालों का जवाब देने के लिए। NCB ने शौविक मिरांडा और दीपेश सावंत का आमना सामना कराया रिया से, लेकिन रिया आमने सामने की पूछताछ में कई बातें सामने आई, जिससे रिया के खिलाफ NCB के पास कुछ पुख्ता सबूत हैं खबरों के मुताबिक। लेकिन रिया चक्रवर्ती को लेकर अभी तक ये बात साबित नहीं हो सकी है, ना ही उनके घर से कोई ड्रग्स का कतरा बरामद हुआ जिसको लेकर कहा जा सके कि वो ड्रग्स की चपेट में थी। अब इंतज़ार है इस बात का कि अगर उनका टेस्ट होता है, उनके शरीर से क्या ड्रग्स बरामद होता है, या फिर दोस्तों कुछ धाराएँ ऐसी भी बनी हैं जिसमें साफ लिखा है कि अगर आप किसी को ड्रग्स ज़बरदस्ती देते हैं उसके बिना आदेश के, तो आप पर भी कानूनी कार्रवाई के तहत कुछ धाराएं लगेंगी और आप जेल जा सकते हैं। तो अगर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को बिना बताए ड्रग्स दी थी, तो रिया चक्रवर्ती जेल जाने के लिए तैयार हो जाए, फिर इनको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पुख्ता सबूत अभी NCB की टीम के हाथ नहीं लगे हैं, जिसके चलते ये नहीं कहा जा सकता कि क्या होता है आने वाले समय में। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।